वेलकम टू आवर चैनल हाउसवाइफ टिप्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप पा सके हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशंस। शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका जिससे आप निकाल पाएंगे किसी भी प्रकार का रबर प्रिंट लोगो अपने टी शर्ट के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लोगो को हम निकालने की कोशिश करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक लिखावट वाला लोगो जो हमारे व्हाइट टी शर्ट के ऊपर है, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया है लोगो निकालने का एक मेथड। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप नीचे देखेंगे तो मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने हॉट आयरन मेथड का इस्तेमाल किया था, हमने गर्म इस्त्री का इस्तेमाल करके इन लोगोस को निकाला था। पर आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है उस मेथड से, और केवल एक चीज की मदद से हम इस लोगो को चुटकी भरकर आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इन लोगों को हम निकालेंगे बहुत ही आसानी से केवल एक चीज का इस्तेमाल कर, जिसका नाम है नेल रिमूवर। ये बहुत ही आसानी से किसी भी घर पर आप पा सकते हैं, आपके वाइफ या फिर आपके मम्मी के मेकअप बॉक्स में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ये नेल रिमूवर। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे आप इन लोगों को इसकी मदद से। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोगो हमको निकालना है, हम इसको रिवर्स साइड कर देंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली नेल रिमूवर इसके ऊपर लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा और डर रह सकता है कि ये जो कलर है वो निकलकर आपको शर्ट पे लग जाएगा और आपका शर्ट जो है वो खराब हो सकता है। तो आइए अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस टी शर्ट को उल्टा कर दिया है और ये जो लोगो है वो हमको निकालना है। तो इसके रिवर्स साइड पर हम क्या करेंगे, रुई की मदद से नेल रिमूवर को लगा लेंगे पूरे एरिया के ऊपर। तो इसको हम रब करेंगे और करीबन 2-3 मिनट तक हम इसको रब करने के बाद इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। सिमिलर तरीके से इसको भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ हम नेल रिमूवर को अच्छे से घिसना शुरू कर देंगे कॉटन की मदद से। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें एक चीज का ध्यान देना है कि हम पीछे की तरफ से घिसेंगे, बिकॉज अगर हम आगे की तरफ घिसते हैं तो ये जो लाल कलर या फिर कोई और कलर है वो डायरेक्टली निकलकर हमारे शर्ट को गंदा कर सकता है और इसके ऊपर स्टेन या फिर दाग रह सकते हैं। तो हम इसको भी पीछे की तरफ से घिसेंगे और करीबन 2-3 मिनट तक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का नेल रिमूवर हमें इस्तेमाल करना है। एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि जो क्वालिटी नेल रिमूवर की वो बहुत अच्छी हो, वरना हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। इसको भी हम 2-3 मिनट तक घिसेंगे और ऐसे ही रहने देंगे। 2-3 मिनट घिसने के बाद आप देख सकते हैं कि काफी हद तक ये अपने आप निकलना शुरू हो जाता है और नाखून की मदद से आप धीरे धीरे इसको पील ऑफ करना शुरू करिए। अगर कहीं पर ये अटकता है या नहीं निकलता है तो थोड़ा आप नेल रिमूवर और इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका ये पूरा जो लोगो है वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ये लोगो था वो पूरी तरीके से यहां से निकल चुका है, बट क्योंकि हमने नेल रिमूवर इस्तेमाल किया, इसके ऊपर लाल कलर था तो कुछ हद तक यहाँ पर स्टेन्स लग गए हैं, लाल कलर का दाग लग गया है जो बहुत ही आसानी से निकल सकता है। आपका लोगो तो निकल गया और ये स्टेन्स भी बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। ये स्टेन्स को निकालने के लिए हमने कई वीडियो बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इनकी भी लिंक पा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इस बहुत ही सिंपल सी आसान ट्रिक का इस्तेमाल कर आप कोई भी प्रकार का लोगो जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ विनाइल बेस्ड या फिर रबर बेस्ड लोगो उस पर काम आएगी, और चाहे लाइट कपड़ा हो चाहे डार्क कपड़ा हो, इसके ऊपर से जो लोगो है वो बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दोनों ही शर्ट के ऊपर से जो लोगो था वो बहुत ही आसानी से इस ट्रिक का मेथड का इस्तेमाल कर हमने निकाल लिया है।
हल्का सा दाग या स्टेन्स रह जाता है तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। काफी वीडियोस बनाए हैं हमने स्टेन रिमूवल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उसकी डिटेल्स पा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।